जबलपुर जिले में आयुष विभाग के द्वारा 1 लाख से ऊपर लोगों को काढ़ा पिलाया जा चुका है। जानकारी देते हुए जिला आयुष अधिकारी अर्चना मरावी ने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा डोर टू डोर सर्वे के चलते करीब 8,51,286 लोगों को काढ़ा व आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जा चुकी हैं। दरअसल काढ़ा और आयुष विभाग के द्वारा दी गई आयुर्वेदिक दवाइयों से इंसानों की इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कोरोना से लड़ने में मदद देती है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि काढ़े का सभी अधिक से अधिक प्रयोग करें। पैकेट हमने जो है 57,699 करीब हमने पैकेट सार्थक ऐप के थ्रू हमने बांट दिए। ये मेरे पास 10-6 का डाटा है। इसके अलावा हमने जो लाभार्थी हैं वो 1,47,203 हमारे लाभार्थी हो चुके हैं। 1 लाख से ऊपर हम लोगों को जो है वो अभी तक हम काढ़ा पिला चुके हैं, काढ़ा दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारी और टीम भी लगी हुई है, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो वो डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन साथ में जारी रखे हुए हैं। तो डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक हम लोगों ने जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में मिला करके 8,51,286 जो है लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन के द्वारा। इससे काफ़ी लाभ हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी लाभ हो रहा है और लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ी है औषधियों की। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया है, बार बार बोला है कि आपको ये मेडिसिन लेनी, जिससे आपको आपकी बॉडी में इम्यून, मतलब जो कोरोना है उससे लड़ने की क्षमता बढ़े, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो हमारी औषधियाँ बिल्कुल बेहद रूप से कारगर है। और मैं सभी जनता जनार्दन जो जबलपुर की, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि वे आवश्यक तौर पर अगर हमारी टीम उनके घर जाती है, उनसे मेडिसिन लेने के लिए बोलती है, तो वे आवश्यक